ईवीएम की हैकिंग हो सकती है, यह दावा किया है भारतीय मूल के अमरीकी टेक एक्सपर्ट सैयद सहुजा ने। उसने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि 2014 के चुनाव में हैकिंग के लिए बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने संपर्क किया था, बाद में यही वजह उनकी मौत का कारण बनी। हैदर ने यह भी दावा किया कि 2015 के दिल्ली चुनाव में उसने आम आदमी पार्टी के पक्ष में ईवीएम की हैकिंग कर विजय दिलाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बंपर जीत मिली थी। हैकर ने कहा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, कैसे ईवीएम हैक होती है? इस सवाल पर उसने कहा कि ईवीएम में ट्रांसमीटर के जरिए हैकिंग की जा सकती है। खास बात रही कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल भी खुलासे के दौरान मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूरोप ने किया। हैकर ने कहा कि उसकी कुल 14 लोगों की टीम है जो ईवीएम हैक कर चुकी है। हैकर ने आरोप लगाया कि ईवीएम की हैकिंग को लेकर उस पर पूर्व में हमला हो चुका है, जिसके चलते उसने अमेरिका में शरण ली है। दावा किया है कि भारतीय ईवीएम डिजाइन करने वाली टीम में वह रह चुका है। एक्सपर्ट ने दावा किया है कि रिलायंस कम्युनिकेशन बीजेपी को ईवीएम हैक करने में मदद करती है, इसके लिए कंपनी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल देती है। सैयद सुजा का दावा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी सिग्नल कम करती है। भारत में 9 जगह है जहां फैसिलिटी है, उन कर्मचारियों को नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना होता है, लेकिन वो ईवीएम टैपर करती है, उन्हें लगता है कि वो सिर्फ डेटा एंट्री कर रहे हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद सुजा नाम के एक टेक एक्सपर्ट ने दावा किया है कि ईवीएम डिजाइन करने में वे शामिल थे। उनका दावा है कि 2014 आम चुनाव में ईवीएम हैक किए गए और धांधली हुई है। उन्होंने कहा है कि सीनियर बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे को ईवीएम हैकिंग के बारे में पता था और उनकी हत्या उनकी ही पार्टी बीजेपी द्वारा की गई।